दोस्तों, अब आप सही मायने में कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने चीन पाक के नाक में दम कर रखा है। पहले ही धनाधन मिसाइल टेस्ट कर हमारे पड़ोसी चिंता में थे, लेकिन अब जो खबर एलओसी की ओर से सुनने को मिली उसे देख पाक आर्मी सच में माता पटक देगी। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ की ओर से एलओसी पे ऐसा हथियार तैनात किया गया कि जिसके आगे पाकिस्तान के लगभग सभी हथियार बेकार हो चुके हैं। अब तो पाक सेना चाहकर भी भारत की ओर लैंड अटैक मिसाइल्स फायर नहीं कर सकती। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि पाकिस्तान से सटे नियंत्रण रेखा के पास डीआरडीओ द्वारा निर्माण किया गया टर्मिनेटर डिप्लॉय किया जा चुका है। अब ये टर्मिनेटर है क्या, इसे किस मकसद से बनाया गया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अचानक सेना की ओर से इतना विध्वंसक हथियार घाटी में क्यों तैनात किया जा रहा है। अब देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सेना और पाक आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ जारी है, काफी सारी गोलीबारी भी हो रही। लेकिन इसी बीच सेंट्रल एजेंसियों की ओर से जानकारी सेना को दी गई कि पीओके में लॉन्च पैड्स बनाकर छिपे पाक लड़ाके भारी मात्रा में पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर्स, आरपीजी और कुछ ड्रोन्स लेके सीमा के नजदीक देखे गए। हो सकता है कि अगले महीने जब सारा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तब ये पाक लड़ाके कुछ बड़ा धमाका भी कर दे। उन्हीं से बचने के लिए डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए ये टर्मिनेटर बॉर्डर पे तैनात किए जा रहे। आपको बता दूं कि डीआरडीओ का यह नया हथियार एक तरह का गन फायर डिटेक्शन सिस्टम है। टर्मिनेटर तो इसका कोड नेम है। इसे खास दुश्मन की तरफ से आ रहे हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स जैसे कि मोटार शेल्स, आरपीजी या छोटे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के मकसद से डिजाइन की गई। ये रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम है जिसे दूर कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसमें क्विक रिस्पॉन्स और सिचुएशनल अवेयरनेस जैसे फीचर्स दिए गए जो दुश्मन की ओर से आ रहे हवाई खतरे को मिलो दूर पहले ही भाप कर अपने ऊपर लगी 30 mm की चेन गन से उन्हें बीच रास्ते में ही उड़ा देगी। डीआरडीओ का मानना है कि इसमें इस्तेमाल किए गए सेंसर्स इतने पावरफुल है कि हाई स्पीड से उड़ान भरने वाली मिसाइल्स को तक शूट डाउन कर सकता है। बताया जाता है कि इन्हें जल्द ही पूरी नियंत्रण रेखा पर डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि एक भी पाक मिसाइल भारतीय सीमा में दाखिल ना हो सके। तो देश की सरहदी इलाकों को सुरक्षित रखने और इसे बख्तरबंद हथियार बनाने के लिए आप सभी डीआरडीओ को एक जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।